आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अभी आप कलेक्टर आपसे मिले हैं, किस लिए मिले और क्या आपकी मांग थी उसमें? हमारी बहनें जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं, वैसे तो सारे विभागों के काम करती है, लेकिन अभी कल परसों शिवराज सरकार जो है हमारे सीएम साहब उन्होंने ये बोला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कोई शासकीय कर्मचारी नहीं है, जो भी उनका वेतन दिया जाए वो मानसेवी है। तो हम ये बोलना चाहते हैं, हमने कलेक्टर साहब को ये बोला कि अगर हम मानसेवी हैं और तो हमें समय पर मानदेय क्यों नहीं मिल रहा? अभी 3-3 महीने हो गए हम लोगों को मानदेय नहीं मिला, ऊपर से सारे काम हमसे करवाए जा रहे हैं, एक नया सर्वे अब ये और ऐड कर दिया गया, जबकि हम अपने विभाग के तो सारे काम करते हैं और सारी योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगे। आज क्या एक्स्ट्रा दिया? आज का जो उन्होंने कलेक्टर साहब ने सीधे पूछा कि आप इस योजना में जो करेंगे कि नहीं, तो हम तो काम करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम समय पर हमें मानदेय तो मिले। क्या कहने का मतलब है, भवन किराया नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही 3 महीने की, क्या बताएं? जुलाई से मानदेय नहीं मिला है और 5 महीने का भवन किराया बाकी है। कई बहनें हमारी जो है वो अपने ज्वेलरी मुथूट फाइनेंस पर गिरवे रखकर और मकान मालिकों को पैसा देकर रही है। उसके बच्चे बीमार हैं। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने आपको? कलेक्टर साहब ने बोला है कि अभी 1-2 दिन में वो मानदेय करवा रहे हैं हमारा और भवन किराया भी जमा करवाएंगे। सर अभी 5 विभाग का काम है हमारे पास, 5 विभाग का, लेकिन हम महिला बाल विकास वाले हमको सिर्फ वेतन देते हैं, कोई विभाग वाले हमको इतनी भी ऊपर से नहीं देते। क्या हमारे बच्चों को हम भूखा मार दे? या जो बीमार आदमी है उसको दवाई गोली नहीं दे? या स्कूल के बच्चों की फीस नहीं भर? हमारे किराए से सारी वो मीटिंग होना अटेंड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रानी सिंह, जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता सर जिला।